si vedo. आनंदपुरम विद्याम अधिजिगमिषवस्तैत्तिरिया गभीरम मीमांसन्ते स्म विश्वम तदुदय विलयम निर्भयास्तत्स्वरूपम कल्याणी काण्वबाणी विमृशति मधुरम वीणयंती च तत्त्वम् तत्पूर्णानंद तीर्थे मधुनि वयममी निर्द्वयम् लीलयामः। भगवान चित्त को अपने में लेना चाहते हैं। उसके लिए बुद्धि योगम उपासृत्य चित्त सततम भव। बुद्धि योग का आश्रय लो और अपने चित्त को मेरा स्वरूप बना दो। बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। तो वैसे तो लोग मई चित्तम जस्य असौ मच्चित्त, मुझ में जिसका चित्त है उसको मच्चित्त कहते हैं। संस्कृत के जो विशेष पंडित हैं वो अहमेव चित्तम जस्य, मैं ही जिसका चित्त हूं, माने ढूंढने पर भी शरीर में चित्त नहीं मिलता है। ढूंढो तो भगवान मिलते हैं, मन चित्त भगवनमय भगवदाकार भगवत स्वरूप हो गया है, उसको कहेंगे मच्चित्त। अहमेव चित्तम यस्य असौ मच्चित्त। एक महात्मा थे वृंदावन में, उनके मुंह से मैंने सुना था, भक्त कोकिल उनको बोलते, उनकी जीवनी भी मैंने लिखी है, भक्त कोकिल, तो उनके मुंह से सुना था, तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों, दिल तुझको ढूंढता है
मैं दिल को ढूंढता हूं। तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। मन दिल और मैं दोनों खो गए हैं। मच्चित बुद्ध योग उपाश्रित्य मच्चित सततम भव। अकल तो वो है जो हमारे मन को भगवान बना दे। आत्मा का भगवान होना तो वेदांत सिद्ध है, श्रुति सिद्ध है, वो तो यथास्थित है, उसको बनाना नहीं पड़ता। पर भक्ति का ये काम है कि मन को भगवान बना दे, चित्त को भगवान बना दे। भक्ति निर्मात्री है, भक्ति वो शक्ति है जो सच्चिदानंद घन भगवान को अपने हृदय में अभिव्यक्ति देती है। तो दूसरी जगह भगवान कहते हैं कि मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्त हो जाओ तुम। ये कहीं कहीं लोग मत शब्द का प्रयोग जब गलत करते हैं, जैसे रहता है ना श्रीमद् भागवत, तो हमने कई सेठों के मुंह से सुना, उनको श्री बोलने का अभ्यास नहीं तो मद् भागवत बोलते हैं। हाँ, अब मद् भागवत शब्द का कोई अर्थ नहीं है, वहां तो श्रीमान के लिए श्रीमत है, श्रीमान भागवत। अब कोई बोले मान भागवत तो क्या अर्थ होगा उसका। तो मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहंकारात् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। देखो आश्वासन भी देते हैं और धमकाते भी हैं। बोला यदि तुम अपना चित्त मुझ में लगा दोगे या तुम्हारा चित्त मेरा स्वरूप हो जाएगा, तो जितनी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं, सर्वदुर्गाणि, जितनी कठिनाई आती है तुम्हारे जीवन में सबको पार कर जाओगे, कोई कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अथ चेत त्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि, अगर तुम मेरी बात अहंकार के वश होकर नहीं सुनोगे, न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, नष्ट हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे अगर अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनोगे। यह अहिरव बात है, पिछली जो है ना, अहिरव बात माने अहिर लोग जैसे अपना काम लेना होता है तो धमका के लेते हैं, ये ग्वालों की भाषा है। अथ चेत तुम अहंकारात्, बहुत घमंड है तुमको, मेरी बात नहीं सुनते हो, जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ये ग्वाले की बात है, आ गया होगा ग्वालापन, घमंड करते हो मेरे सामने। तो इसी से जहां भक्त की पहचान बताई गई, वहां मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिजोगं तं येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। आत्मभावस्थः, उनके भाव में आकर मैं खड़ा हो जाता हूं, और ऐसा मशाल ज्ञान का दीपक दिखाता हूं कि वह ज्ञानांधकार से पार हो जाए
मेरे पास पहुंच जाएं। इसको भगवान का बड़ा भारी सौशील्य बोलते हैं वो, जब कोई उनके पास चलता है पहुंचने के लिए और रास्ते में कहीं अंधेरा होता है तो बेचारा क्या करे, तो भगवान मसालची बन के आ जाते हैं और अरे भगत जी इस रास्ते आओ, इस रास्ते आओ। अब वो पहचाने कि न पहचाने, जब ले जाते हैं और देखता है वहां सिंहासन पर विराजमान, तो कहता अरे यही तो हमको मसाल दिखा रहे थे, हमको रास्ता बताने वाले यही हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो बाहर की मसाल दिखा रहे हैं ये, सूर्य चंद्रमा के रूप में दिखा रहे हैं ये, आंखों के द्वारा भी दिखा रहे हैं वही, और बुद्धि के द्वारा भी दिखाते हैं वही। तो यदि हम अपने चित्त को माने मन और बुद्धि को न लगा सकें तो अभ्यास योग करना चाहिए। ये योग शब्द का जो प्रयोग होता है तो वो वस्तु भगवान के लिए हो जाती है। ज्ञान तो सब विषयों का होता है, परंतु जब भगवान का ज्ञान होगा तब उसका नाम ज्ञान योग होगा। भक्ति तो मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, सब भक्ति होती है, परंतु जहां भक्ति के साथ योग लगा वो भगवान के साथ जुड़ गई। भक्ति योग माने भगवान के साथ विवाह, प्रेम, भगवान के साथ प्रेम। तो कहीं भी कर्म योग भी तभी तक कर्म है कर्म, जब तक भगवान के लिए नहीं होता है। भक्ति तभी तक मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति है जब तक माता में, पिता में, देश में भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन होने पर मातृभक्ति भी योग हो जाती है, पितृभक्ति भी योग हो जाती है, देशभक्ति भी योग हो जाती है। तो योग शब्द का प्रयोग वही है। अभ्यास तो करना है, पर जो कमर पतली करने के लिए योगा किया जाता है, है ना, बहुत एक बार तो बहुत शौक था, अब आजकल हमको मालूम नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो योग किया जाता है वो दूसरा है, और भगवान से मिलने के लिए जो अभ्यास किया जाता है वो दूसरा है। तो बारंबार 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 अभ्यास करो। पांच सेकेंड से अभ्यास शुरू करो, एक मिनट तक बढ़ा लो। कई दिन लगेंगे, 60 सेकेंड होते हैं, तो एक मिनट होने में 12 दिन लगेंगे, 12 दिन में एक मिनट हो जाएगा। अब मान लो इसी तरह आप बढ़ाते जाओ, क्या इसमें कठिनाई क्या है? कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो कितना, 5 सेकेंड का अभ्यास 12 दिन में 1 मिनट हो जाता है, और 1 महीना 6 दिन में 3 मिनट हो जाएगा ना, और 12 मिनट तक चालू रखेंगे तो देखो तो कहां से कहां पहुंच गया। वो तो हम चाहते ही नहीं है, मूल बात यह है।
इसलिए देखो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, इच्छा शब्द का प्रयोग है। इच्छा, इच्छा करो, अन्विच्छा, हमारी तलाश करो, हमको ढूंढो, हमें पाने की इच्छा करो। जैसे प्यास लगने पर पानी पीना चाहते हैं, जैसे भूख लगने पर भोजन करना चाहते हैं, जैसे अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं, जैसे अपने माँ बाप का पांव छूना चाहते हैं, ऐसे एक बार बाबा पांव मत छुओ, हाथ मिला लो भगवान से एक सेकंड के लिए, पांच सेकंड के लिए भगवान से हाथ मिलाओ। हमारे उड़िया बाबा जी तो कहते थे सवेरे उठ के भगवान से एक बार हाथ मिलाओ, पाणी निपीडन, संस्कृत में संपीड्य पाणी पाणी भ्याम, दोनों हाथ से दोनों हाथ पकड़ के और दबा देते हैं जोर से हो, संपीड्य पाणिना पाणी। ये वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और रामचंद्र के हाथ मिलाने की बात है, तो रामचंद्र ने जरा जोर से दबा दिया, हाँ, कि सुग्रीव को पता चल जाए कि इनके हाथ में कुछ है बल, हाँ, दुखने लगा सुग्रीव जी का हाथ, दुखने लगा, संपीड्य पाणिना पाणी। तो एक बार भगवान के हाथ से हाथ मिला, सकल सूरत नहीं दिखती है तो क्या, अगर पर्दे में रह के ही हाथ मिलाना चाहते हैं तो आओ ऐसे ही सही, पर्दा नसीन से हाथ मिलाना तो और मजेदार होता है। पर्दा नसीन से ही हाथ मिलाओ तो बहुत मजेदार है। नहीं दिखते हैं तो क्या, कभी मुस्कुरा देंगे तो दांत चमक जाएंगे, कभी आंख में से रोशनी निकल के तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी, नहीं तो कभी नाखून ही चमक जाएंगे। जरा मिलाना शुरू तो करो, अभ्यास जोगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। आदत डालो, अच्छी आदत डालो, भगवान से हाथ मिलाने की आदत डालो। उड़िया बाबा जी कहते थे प्रातः काल उठ के एक बार भगवान के साथ हाथ मिला लो और दिन भर मस्त रहो कि आज हमने भगवान से हाथ मिलाया है। थोड़े से रुपए मिल जाए, आमदनी हो जाए, कोई अपना प्रिय व्यक्ति अतिथि हो जाए, प्रिय अतिथि, अपना प्रिय कभी अतिथि हो जाए तो कितना मजा आता है। अपने प्यारे से हाथ मिलाने में क्या लगता है। तो अभ्यास योगेन का अर्थ है बारंबार बारंबार, हाँ रोज रोज, अरे भाई रोज न सही, हफ्ते में एक दिन सही। हमारे गांव के पास एक बुड्ढे सज्जन थे, वो जब दिल्ली दरबार हुआ था, माने जब पंचम जार जाए हुए थे दिल्ली में, तो उनकी इज्जत बहुत थी, हमारे पड़ोसी थे, उन्हें बुलाया गया था दिल्ली दरबार में, तो उनसे सम्राट ने हाथ मिलाया। उनका नाम जुगल किशोर सिंह था, जो लोग वहाँ के होंगे जानते होंगे। तो बुढ़ापे में गुड़गुड़ी लेके और पलंग पर लेटे रहते मसनद के सहारे, और कोई कहता है हमारे सामने, बोलते हमारे सामने लोग क्या हैं, कौन है ऐसा जिसने सम्राट पंचम जार से हाथ मिलाया हो। हाँ बुढ़ापे में उनको बड़ा अभिमान था इस बात का, हाँ। भगवान से हाथ मिला, अभ्यास जोगे न ततो, अभी नहीं मालूम पड़ता है, मालूम भी नहीं पड़ता है तो झूठ मूठ का मिलाओ। हाँ झूठ मूठ का मिलाने में ही बड़ा आनंद है। हाँ, एक कथा है वृंदावन में, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, जिसको हम लोगों के गांव में तो ढिलहिया चौथ बोलते हैं, यदि उस दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो कलंक लगता है, इसलिए किसी के घर पे ढेला फेंकते हैं, वो गाली दे दे तो कलंक उतर जाता है,
ये गांव में ये रिवाज है भाई। हाँ, तो चंद्रावली सखी जो है वो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के सामने खड़ा होके अर्घ्य दे रही थी। इसी बीच में नारद जी आ गए, बोले री बावरी क्या कर रही है, आज तो कोई चंद्रमा को देखता नहीं, कलंक लग जाता है। ओ बोले कि बाबा बस यही तो मैं चाहती हूँ, आज अर्घ्य इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सबके सब गोपियों के बारे में मशहूर है, प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण उस किसी के ऊपर कंकड़ फेंकते हैं, किसी का पीछा करते हैं, किसी का नाम लेके बांसुरी में पुकारते हैं। मैं ही एक अभागिनी ऐसी हूँ वृंदावन में कि मेरा कोई नाम नहीं लेता। तो सह तेन यूना मिथ्यापवाद बचसाप्य अभिमान सकते। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उस नौजवान के साथ अगर झूठा कलंक भी लग जाए तो मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करूंगी, इसलिए झूठा कलंक लग जाए इसलिए मैं आज चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। नारायण तो ईश्वर के साथ झूठ मूठ भी हाथ मिलाओ, हाँ वो झूठ मूठ भी सच्चा हो जाएगा। हो भगवान झूठ को सच बनाने में बड़े निपुण हैं, हाँ वो झूठ को भी सच बना देते हैं और सच को भी झूठ बना देते हैं, उनका ऐसा सामर्थ्य है। बोले भाई हमसे तो ये झगड़ा भी रोज रोज का अभ्यास भी नहीं बनता है। तो जानते हैं भगवान, पहले उन्होंने कहा कि मन बुद्धि मुझ में रखो, एक नंबर की बात तो ये हुई। दो नंबर की बात ये हुई कि यदि तुम मन बुद्धि मुझ में नहीं रख सकते तो अभ्यास योग के द्वारा लगाने का प्रयास करो। बोले हमसे तो अभ्यास भी नहीं होता है, कौन झगड़ा पाले। तो बोले कि अच्छा तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते। ये देखो नर से बातचीत कर रहे हैं नारायण, अभ्यासे प्यसमर्थों से मेरे प्यारे दोस्त तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो, किसी काम को दोहरा भी नहीं सकते हो, नया नया काम करना पड़े तो थोड़ी हिचक होती है और एक ही काम बार बार दोहराना पड़े तो उसमें क्या हिचक है, एक बार सिखा दिया ऐसे कर लो और बारंबार करने लगे। लेकिन अगर तुम ऐसा मानते हो कि मुझे अब मुझसे अभ्यास भी नहीं बनेगा, बोले मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म परायण हो जाओ, ऐसे कर्म करो जो मेरे लिए होता हो। इसको सुन के आप लोग घबराए नहीं, डरे नहीं। आप क्या काम करते हैं? झाड़ू लगाते हैं? बोला आप लोग झाड़ू लगाएंगे? वो तो बड़े बड़े नेता लोग फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू लगा लगाते हैं, वो तो बड़े बड़े नेताओं का काम है भाई। वैसे कभी झाड़ू छूते नहीं हाथ से, हाँ पर फोटो खिंचवाना हो तो जाट। तो आप लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, कैसा रसोई पकाते हैं तो झाड़ू भी लगावे हैं। तो जरा मन में याद आती जाए कि इस रास्ते से शायद भगवान आ जाए, उनको ये रास्ता साफ मिलेगा। पता नहीं कौन कौन रूप धारण करके भगवान आते हैं। मैं बड़े प्रेम से झाड़ू लगा के रास्ता साफ कर रहा हूँ तो संभव है किसी न किसी रूप में भगवान इस रास्ते से आ जाए। क्या इसमें आपका क्या लगा? रास्ता साफ हुआ और दिल भी साफ हुआ। जब रसोई पकाते हैं, कहाँ भाई पकाते हैं, अच्छा तो भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई पकाते हैं। अरे भाई हम कहाँ ले जाके भगवान के सामने थाली रखेंगे? थाली मत रखो, तुलसी डाल दो। तो भाई वो भी नहीं बनता है, अच्छा आग में थोड़ा सा डाल दो, अग्नि के रूप में भगवान है, वो भी भगवान का भोग लग। काहे के लिए बनाते हैं? पंच महायज्ञ के लिए बनाते हैं।
ये तो हमारी वैदिक परंपरा को लोग बिल्कुल भूल गए। साफ साफ बात कही हुई है, केवलाघो भवति यः केवलादि, जो सिर्फ अपने खाने के लिए पकाता है वो केवल पाप खाता है। संविभाज्य उनमें हिस्सा होता है, अन्न आपका फल जो है वो पेड़ पर लगता है, चिड़िया खाती, अन्न उगता है उसको पशु खाते, चिड़िया खाती, चूहा खाता, आपने समेट के ला के अपने घर में रख दिया, उनका हिस्सा गया कि नहीं, तो जरा चिड़िया का हिस्सा चिड़िया को दे दीजिए, गाय का हिस्सा गाय को दे दीजिए, उसमें दूसरे के भोजन का हिस्सा आ गया हो तो अपने मन से उसको भी निकाल दीजिए। पंडित लोग पढ़ने लिखने में अपना समय बिताते हैं, थोड़ा उन ब्राह्मणों के लिए कर दीजिए, जो आप भोजन करते हैं उसमें हिस्सा सबका होता है, ये नहीं कि आपका पैसा लगा और आपने पका लिया तो वो पूरा का पूरा आपका हो गया, जिनका हिस्सा उसमें दब के आया है उनका भी तो ध्यान रखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कपड़ा बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, तो देखो हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि पहले न उनके पास कपड़ा ही था न कपड़ा पहनना ही आता था। आप लोगों ने भागवत में पढ़ा है कि नहीं, जब मथुरा में जब शहर में गए तब उन्हें कपड़े की जरूरत मालूम पड़ी और महाराज एक तमाचा मार के धोबी के ट्रक कपड़े छीन लिए, अब पहनना ही ना आवे, कपड़े तो छीन लिए पर पहनना ना आवे। हाँ तो दर्जी ने आके जिसके शरीर पर जैसा फिट बैठना चाहिए वैसा बैठाया, तो आपके जो कपड़े हैं जो ट्रेन के ट्रेन लद के ट्रक लद के जहाज लद के जाते हैं वो तो सब भगवान के काम के हैं, भगवान के पहनने के हैं, नाना रूप धारण करके भगवान ही उनको पहनते हैं। तो ये सर्वरूप भगवान के लिए आप कपड़ा बना रहे हैं, आप उनके रहने के लिए जो मंदिर बनते हैं सर्वरूप में भगवान ही तो निवास करते हैं, उनके लिए सीमेंट बना रहे हैं, उनके लिए पात्र बना रहे हैं, इन चीजों को बनाने के लिए मशीन बना रहे हैं, ये सब सर्वरूप जो भगवान है उनकी सेवा के लिए। केवल भाव की जरूरत है, आपको एक पैसे का भी घाटा इसमें नहीं होगा, कपड़ा बाजार में बिकेगा, सीमेंट बाजार में बिकेगा, मशीन बाजार में बिकेगी, लेकिन कंजूसी कहाँ है, कृपणता कहाँ है, कृपणता वस्तु की नहीं है, कृपणता भाव की है। दिल में आप ऐसे मक्खी चूस हो गए हैं, मैं वापिस लेता हूँ अपना शब्द, आजकल तो संसद में भी लोग कहे के वापिस ले लेते हैं। ये भाव की मन की भी कृपणता, बच्चे खेल रहे थे हो, उन्होंने आपस में कहा भाई थोड़ी देर बैठ के मन ही मन सत्तू खाएं, तो एक ने कहा बेवकूफ हो, जब मन ही मन खाना है तो सत्तू क्यों खाते हो, लड्डू क्यों नहीं खाते, जब मन ही मन भगवान को, जब मन ही मन भगवान को समर्पित करना है, हैं? तो उसमें कृपणता किस बात की। ओ लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, हर 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 हर, गिन्नियों की वर्षा हो रही है, हीरों की वर्षा हो रही है, फिर नोटों की वर्षा क्यों सोचते हो। तो अपने भाव को बार मत कर्म परमो भव, भगवान की सेवा के लिए जो कर्म होते हैं
वो आप कर्म कीजिए और उसके परायण हो जाइए, का अर्थ है सब कर्म हो। सब कर्म कैसे होंगे? कहो भाई जल्दी से सवेरे उठ जाएं। तो सवेरे क्यों उठते हो? भगवान की सेवा के लिए। तब जाते हैं शौचालय में क्यों? तो जरा निश्चिंत होकर भगवान का भजन करेंगे ना। हाँ, पहले हल्के हुआ है। काय के लिए हल्के होते हो? भगवान के लिए। हाँ, लघु शंका करी आए काय के लिए? का भजन के समय बाधा नहीं डाले। और स्नान कर लिया का नींद प्रमाद आलस्य टूट जाए, जरा हरे भरे होके भगवान का भजन करेंगे। बाल संवारने लगे, स्नो पाउडर लगाने लगे तो भाई भगवान देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और बाल बिखेरे हुए और गंदा फ्राक पहने हुए और इधर से उधर घूम रहे हैं, नहीं भगवान की आंख के सामने जाना है तो जरा ठीक ठाक होके जाना चाहिए। ऐसे हमारे वृंदावन में एक संप्रदाय ऐसा है, वो महाराज करते हैं भगवान का भजन और तेल फुलेल इत्र रेशमी कपड़े और वो बाल। काशी में एक रहते थे श्री दामोदर लाल जी गोस्वामी, उनका नाम था। बहुत बड़े विद्वान थे, माने काशी के विद्वानों में माने हुए विद्वान थे। हमारे गुरु जी ने कहा कि उनके दरवाजे पर जाना मत कभी। तो क्यों? अरे वो तो इत्र लगाए रहते हैं और बाल संवारे रहते हैं और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, तुम्हारे मन में कहीं वैसी वासना हुई तो पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाए, मत जाना कभी। और नहीं गया भाई। हाँ, वही जब आए तब मैंने उनको देखा, मैं उनके पास कभी नहीं गया, गुरु जी ने मना कर दिया था। एक सिद्ध थे बनारस में, गोपीनाथ कविराज उनको बहुत मानते थे। उनके सामने सालग्राम की मूर्ति रखी जाए और कड़ी दृष्टि से देखें तो सुनते हैं ऐसा कि फट जाते थे, ऐसी इतना तेज था उनके नेत्र में, झूठ की सच भगवान जाने। गुलाब का पौधा दिख रहा है, उन्होंने नजर डाली और वो चंपा का पौधा हो गया। ऐसा गोपीनाथ कविराज ने, एक पुस्तक है बंगला में विशुद्धानंद प्रसंग, उसमें उन्होंने लिखा है, मैंने वो पुस्तक पढ़ी है। मेरे सामने थे वो, गुरुजी ने कहा कभी उनके मठ के भीतर आश्रम के भीतर पांव मत रखना। क्यों गुरुजी? बोले कि बस तब तुम भी सिद्धि चमत्कार के चक्कर में पड़ जाओगे, पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा और फिर जाके आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठोगे। हाँ हाँ, पढ़ना लिखना सिद्धियों के चक्कर में कभी मत पढ़ना, ऐसे हमारे गुरुजी ने बताया। उनका नाम पंडित राम भवन उपाध्याय था, प्रिंस कॉलेज में पढ़ाता, आजकल जिसको संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय कहते हैं उसमें पढ़ाते थे। भाई देखो चलो भगवान के पास, मत कर्म परमो भव, भूलो मत उनके उद्देश्य। पहले से संकल्प कर लो कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, करते समय याद करते जाओ, नहीं तो करने के बाद ही समर्पित कर दो। एक वकील थे हमारे जाने हुए, अभी हैं जिंदा हैं, उन्होंने पहले तो ये नियम किया था कि 1500 रुपया महीना से अधिक का काम नहीं करेंगे, अधिक फीस लेने का काम ही नहीं करेंगे, लेंगे नहीं। और यदि हमको मालूम पड़ जाएगा कि मुकदमा झूठा है तो बीच में ही छोड़ देंगे। हाँ, इसलिए कोई झूठा मुकदमा लेकर मेरे पास नहीं आया। और जिस मुकदमे में जाके अदालत में खड़े हो जाते थे वो, उनके आते ही जज लोग उनके पक्ष में फैसला दे देते थे। अभी हैं वो बंबई में, हैं हमारे वृंदावन में आके हमारे आश्रम में महीनों तक रहते हैं, उनका कमरा बना हुआ है।
तो देखो भाई, अपने को ऐसा प्रतिष्ठित बनाओ भगवान के सामने, तुम्हारा दिल इतना सुंदर हो, इतना मधुर हो कि उसको देखने की लालच भगवान की आंखों में आ जाए, उसका स्वाद लेने की इच्छा भगवान के मन में आ जाए, वो भी बड़े मधुर। जब चोरी करके मक्खन खा सकते हैं तो वो तुम्हारे दिल की जो मिठास है उसका आस्वादन क्यों नहीं कर सकते। एक बार हम एक सज्जन नंदगांव गए तो देखा किवाड़ी तो खुली और भीतर दही दूध मक्खन भी खुला पड़ा। अरे भाई, ढकता क्यों नहीं है, दरवाजा बंद क्यों नहीं करता है? कहीं लाला आ गया तो उसको किवाड़ी खोलने की तकलीफ करनी पड़ेगी, ढक्कन हटाने की तकलीफ करनी पड़ेगी, हम तो उसको कोई तकलीफ ना उठानी पड़े इसके लिए खुला रखते हैं। आपके घर में भगवान के लिए क्या क्या है जरा सोचिए तो। आप जो सवेरे से शाम तक काम करते हैं, अभी बात कर रहे थे भाई तुलसी खाने से जुकाम नहीं होता है, ऐसा कई लोग बताते हैं, तुलसी की हवा लगने से भी जुकाम कम होता है। कई कहते हैं तुलसी का पत्ता खाने से कैंसर नहीं होता है, कई कहते हैं बेलपत्र खाने से मूत्रेंद्रिय संबंधी रोग नहीं होते हैं, ऐसे तो अब बहुत बढ़िया बात है, शरीर का रोग तो सब मिटाने चाहते हैं, पर आप बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ा के खाएं, तुलसी सालग्राम पर चढ़ा के खाएं तो आपका मन प्रसन्न होगा, निर्मल होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और तुलसी और बेलपत्र तो आपके पेट में ही जाएगा ना, और तो कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा तो जो उसमें गुण है उसको करेगा ही, तो आप उसको एकांगी क्यों बनाते हैं, केवल शरीर के लिए उसको क्यों रखते हैं, अपने हृदय के लिए भी, अपने हृदय के निर्माण के लिए भी तो कर दीजिए। क्या भगवान को समर्पित करके तुलसी खाने से या शंकर जी को चढ़ा के बेलपत्र खाने से आपका कोई घाटा हो जाएगा? तो मत कर्म परमो भव का अर्थ है, जो जो हम करते हैं उसमें करोमि यज्जत सकलम परस्मै नारायणायते समर्पयेत। हमको याद है जनेऊ वनेऊ कुछ नहीं हुआ था, बच्चे थे, बाबा के साथ भोजन करने बैठते तो हाथ पांव धो के हो, बिना सिला कपड़ा पहने हाथ पांव धो के चौके में बैठ के तो भोजन करना ही पड़ता, वो कहते हाथ में पानी लो और बोलो काये न वाचा मनसे इंद्रिय इर्वा, और जो जो मैं करता हूँ खाता हूँ पीता हूँ, गीता में आप पढ़ते हैं जत करोसी जदश्नासी यद जुहोसी ददासी जत। अश्नासी का क्या अर्थ है? खाना ही ना, ओ मुंह में ग्रास डाला और नन्हा सा बालक आपके भीतर बैठा हुआ है, पट उसने आपके हाथ में से छीन लिया और अपने मुंह में ले लिया और जाएगा आपके ही पेट में, लेकिन आपको उस नन्हे से बालक को खिलाने का जो आनंद आवेगा, ये जो भावना का जो आनंद होगा वो कितना बड़ा होगा। मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्बन सिद्धिमवाप्स्यसि। रोगी बन के आए भगवान तुमसे दवा लेने के लिए, मैंने पढ़ा था ऐसा, टॉलस्टॉय की एक कहानी पढ़ी थी, भगवान ने किसी को स्वप्न दिया कि कल तुमसे मिलूंगा, अब रोगी बन के आए कि हमको दवा दे दो, और नंगे होके आए कि हमको कपड़ा दे दो, भूखे होके आए कि हमको भोजन दे दो, उन सज्जन ने कहा भाग भाग, आज हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। 24 घंटे बीत गए महाराज, भगवान नहीं आए, भगवान ने सपने में डांटा फिर कि रोगी बन के मैं आया था, नंगा बन के मैं आया था, भूखा बन के मैं आया था, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि
कुर्बन सिद्धि मवाप्स्यसि। यदि मन बुद्धि को नहीं दे सकते हो और अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो जो काम तुम कर रहे हो उसको मेरे लिए करो। हम आपके लिए करेंगे तो सब आप छीन ले जाएंगे, नहीं छीन नहीं ले जाएंगे। हाँ, वो तो जैसे होता है वैसे ही होगा। केवल उद्देश्य, केवल भाव के परिवर्तन से भक्ति हो जाती है। अथई तदप्य सक्तोसी कर तुम मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरुजतात्मवान। बढ़िया बात। बोले अच्छा भाई, मन बुद्धि तो हम नहीं लगा सकते, अभ्यास भी नहीं कर सकते, और सब कर्म तुम्हारे लिए करें ऐसा भी नहीं है, हमको तो अपने लिए भी करना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया, अपने लिए भी करो भाई। अब ये कौन सा नंबर हुआ? मन बुद्धि अर्पण करना, मन बुद्धि के अर्पण का अभ्यास करना, और भगवान के लक्ष्य से उद्देश्य से कर्म करना। अब चौथी नंबर की बात सुन लो, वो क्या है? सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। बोले भाई काम करो लेकिन उसके फल का त्याग कर दो। ये मुश्किल है, और इसको आसान बता रहे हैं भगवान तो, पर सबसे मुश्किल यही है। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अपने मन को हमेशा प्रयत्नशील रखो, काबू में रखो कि वो वर्तमान कर्म को छोड़कर उसके फल की ओर दौड़ न जाए। ऐसे हमारा मन वर्तमान में तो रहना पसंद करता नहीं, हमको बचपन में अभिमान था कि हमारे घर में सबसे बढ़िया रसोई बनती है, लेकिन फिर भी बाबा चुपचाप पड़ोसी के घर चले जाते थे और खा के आते थे। क्यों? और कभी कभी उनके घर की रसोई खाते थे तो कभी कभी खाने से बहुत स्वादु लगती थी, अच्छी लगती थी। रोज खाने को मिले तो वैसे नहीं लगती हो। ये जो कर्म करते समय हमारी दृष्टि वर्तमान से हटकर भविष्य पर चली जाती है। आपको एक बात सुनाता हूं, कर्म का एक तो होता है प्रयोजन और एक होता है फल। कोई भी काम करना हो तो वो निष्प्रयोजन नहीं होता है, सब प्रयोजन होता है। ये काम कर रहे हैं तो इसका कुछ लक्ष्य है कि नहीं? लक्ष्य हम इतना उत्पादन करेंगे, आप लक्ष्य बना लीजिए कि हम इतना उत्पादन करेंगे, पर उत्पादन करके हम ही खा जाएंगे सब का सब कि नहीं भाई, औरों को भी खिलाएंगे। तो उसको हम बेचेंगे, उससे हम धनी होंगे, उससे हम सुखी होंगे, ये मत सोच करके ये सोचिए कि हमको ये कर्म करना चाहिए। आपको नमूना इसका सुनाते हैं। जैसे एक नमूने के लिए ले लो श्राद्ध, अपने पिता के लिए, माता के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए श्राद्ध किया जाता है। ये श्राद्ध क्या है? ये कर्म तो करें और उसका फल हमको मिले ऐसा न चाहें, इस कर्म का नमूना है। ऐसा निष्काम कर्म, ऐसा निष्काम कर्म कि हम माता
पिता दादा दादी नाना नानी श्रद्धा करके उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। ये श्राद्ध कर्म जो है ये निष्काम कर्म का नमूना है, ये हम कर्तव्य पालन करते हैं। चार प्रकार से निष्कामता आती है कर्म में, ये ऐसे सब गिनती होती है, सबकी गणना तो सभी की होती है। एक रीति तो ये है कि हमारा माता पिता के प्रति या ईश्वर के प्रति ये कर्तव्य है कि हम ये काम करें, इससे क्या मिलेगा इससे कोई प्रयोजन नहीं। तो इसके लिए शास्त्र ने संध्या वंदन कर्म हमारे जीवन में स्थापित किया। ये मत सोचो कि संध्या वंदन करने से क्या मिलेगा। एक सेठ ने, यहां बैठा हो कथा में तो कोई बात नहीं है, बहुत बरसों की बात है, 30-35 वर्ष पहले की। वो बोला कि राम नाम कहने से क्या लाभ है जी, माने बिना लाभ के हम कुछ कर्म ही नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य, हमारे ऊपर कर्तव्य का कोई बोझ नहीं है, सारे काम लाभ के लिए ही होते हैं, इससे कुछ मिले इस कुछ मूले। ऐसी इतनी गरीबी अपने जीवन में आ गई, ये दरिद्रता की पराकाष्ठा है वो। हाँ, तो सुना है कि अहमदाबाद में किसी ने पूछा ये कौन सा स्टेशन है, तो प्लेटफार्म के आदमी ने बताया कि चार आना लाओ तब बताएंगे। अरे भाई बस हम समझ गए, ये वो स्टेशन है जहां लोग चवन्नी लिए बिना नाम भी स्टेशन का नहीं बताते, ये बहुत प्रसिद्ध है। बोले संध्या वंदन क्यों करें, भला कोई बात हुई संध्या वंदन क्यों करें। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, पिता माता के प्रति श्राद्ध करना हमारा कर्तव्य है। उनके जीवन में जो उनकी सेवा में त्रुटि रह गई है वो पीछे श्राद्ध करने से पूरी हो जाएगी, उनका कमाया हुआ जो धन है वो उनके नाम पर खर्च हो जाएगा। नारायण, और हमारे हृदय में श्रद्धा की वृद्धि होगी। श्रद्धा को तो धन बोलते हैं शास्त्र में, श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, हमारे हृदय में श्रद्धा का धन बढ़ता है। तो एक बात यह है कि सर्व कर्म फल त्यागम में हम कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें। अब एक दूसरी बात देखो, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो इसके लिए कर्म करें, ये भी फल इच्छा नहीं है। जो मैल लगी है हमारे अंतःकरण में उसको कोई हथौड़ा से या छेना छेनी से या बसीले से तो उसको कोई साफ कर नहीं सकता। साबुन लगाने से मन का मैल दूर नहीं होता, उसके लिए तो अपने अंतक जोगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये, अंतकरण शुद्धि की दृष्टि से हमें कुछ पाना नहीं है, केवल सफाई करना है। बस हमारा दिल साफ हो इसके लिए हम कर्म करते हैं। रगड़ने से भी कई चीज ऐसी होती हैं जो रगड़ने से ही साफ हो जाते हैं, कई चीज झटकने से ही साफ हो जाती है। किसी में नींबू लगाना पड़ता है, किसी में दही लगाना पड़ता है। आप तो यदि फल न चाह करके अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे तो आपका अंतःकरण निष्काम हो जाएगा। निष्कामता अंतःकरण की शुद्धि है, निष्कामता अंतःकरण शुद्धि का साधन नहीं है, वो तो हल्का है, हल्की फुल्की बात है। अंतःकरण का निष्काम होना ही अंतःकरण की शुद्धि है।
सेठ जी से हम लोग भिड़ जाया करते थे, वो सेठ जी माने जयदयाल गोयनका, का आप बताओ कि जब तक आत्मा में भोक्तापन का भाव रहेगा तब तक कर्म निष्काम कैसे होगा। वो तो जब तत्व ज्ञान से भोक्तृत्व की भ्रांति दूर होगी तब कामना नहीं रहेगी, तब अंतःकरण निष्काम होगा। तो सेठ जी बोलते कि हमारा अभिप्राय पूर्ण निष्कामता से नहीं है, वो निस्वार्थ हो करके कर्म करें, अभिप्राय इतना ही है। पूर्ण निष्कामता तो बिना कर्तापन और भोक्तापन मिटे पूर्ण निष्कामता हो नहीं सकती। अच्छा, तो एक बात तो यह है कि कर्तव्य पालन के लिए कर्म करें, फल न चाहें। दूसरे, अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करें और कोई फल न चाहें। और तीसरे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। भगवत प्रीति अर्थम, जो मैं कुछ करता हूँ, हाँ, जो मेरे द्वारा होता है उससे सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होए। बस ये कसौटी है, जांच लो, हाँ, कि तुम जो कर रहे हो उसको तुम्हारे पिताजी देखते तो खुश होते कि नहीं, तुम्हारे गुरुजी को मालूम पड़ता तो वह खुश होते कि नहीं। दुनिया के मालिक जो भगवान हैं, हाँ, उनकी जब दृष्टि तुम्हारे कर्म पर पड़ेगी तो प्रसन्न होंगे कि नहीं। भगवत प्रीति अर्थम, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। काम करते समय जरा ये भी देख ले उनको कैसा लगेगा। इसका भी तो ध्यान, उनको कैसा लगेगा। बस इतने ही तो देखने का है। इसको बोलते हैं, ये तीसरे प्रकार का कर्म फल त्याग है, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक चौथे प्रकार का भी कर्म होता है, वो होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। सीधे ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है कर्म से। हो ये कच्चे वेदांती इस बात को सुन के, क्योंकि ज्यादा करके लोग पंचदशी पढ़ते हैं, विचार सागर पढ़ते हैं और अपने को वेदांती मान बैठते हैं, ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य है, शांकर भाष्य पर पंचपादिका है, पंचटीका पद्मपादाचार्य की, और पंचपादिका पर है विवरण, सर्वोत्तम व्याख्यान माना जाता है वो भाष्य का। उसमें भामती प्रस्थान से अलगाव क्या है। भामती वाले मानते हैं कि सत्कर्म करने से मन में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और विवरण प्रस्थान मानता है पद्मपादाचार्य का कि नहीं, सत्कर्म के अनुष्ठान से ज्ञान ही उत्पन्न हो जाता है। विविदिशा उत्पन्न होती है कि वेदन उत्पन्न होता है, ये दोनों प्रस्थानों का मतभेद है। जानबूझ के मैंने शास्त्र की चर्चा कर दी। तो ज्ञान की, अच्छा, जो काम करने लगते हैं उनको उस विषय में अनुभव होता है कि नहीं होता है? अनुभव बढ़ता है। जितना जितना आप काम करोगे उतने उतना आपका अनुभव बढ़ेगा। तो आप कर्म क्यों करते हो? भाई हमको कुछ ले, तनख्वाह नहीं लेनी है, फायदा नहीं उठाना है, अनुभव प्राप्त करने के लिए काम कर रहा हूं। तो जो भगवत संबंधी अनुभव प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो भी भगवान के लिए कर्म है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है वो भी भगवान के लिए है, जो अंतःकरण शुद्धि के लिए किए जाता है वो भी भगवान के लिए है, और जो अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से होता है। नहीं तो महाराज कभी कभी ऐसी चोट लगती है। हमारे एक मित्र थे, अभी असहयोग के जमाने में ही,
पागल हो गए। तो क्यों पागल हुए? घर के लोग घबराए, उनके इष्ट मित्र घबराए। मैं इन दोनों में गोरखपुर में था, तो उनको लेके गए। उनका नाम रामसूरत मिश्र था, बड़े नेता थे हमारे, हमारे मित्र थे। लेके गए, मैंने पूछा उनसे धीरे धीरे कि क्या तकलीफ है तुमको? तो उन्होंने कहा कि मैं तो लेके झंडा घूम रहा था, वो झंडा ऊंचा रहे हमारा, राष्ट्र की सेवा कर रहा था, और उधर हमारी पत्नी को दवा नहीं मिली, पानी पिलाने वाला कोई घर में नहीं था, पथ्य नहीं मिला, वो मर गई। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। अब ऐसा खटक गया था उनको महाराज कि वो दिमाग ही उनका ठीक ना हो। तो मैंने कहा, अरे भाई तब नहीं किया तो अब कुछ करो, अब क्या हो सकता है? वो तो मर गई, नहीं अब भी हो सकता है, क्या हो सकता है? तो रोज उसके नाम से संकल्प करके गीता का पाठ करो, रोज द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करो थोड़ी देर उसकी शांति के लिए। है कुछ घर में, गरीबों को उसके नाम पर दो। कुछ है तुम्हारे पास? बोले हाँ है तो सही। जप कर सकते हो? कहाँ। पाठ कर सकते हो? कहाँ। क्या उसके लिए करना शुरू करो, आज से ही रहो 5-6 दिन हमारे पास करो। अब करना शुरू किया महाराज, थोड़े दिनों में ऐसा उनका मन ठीक हो गया जैसे लगे कि हमने कुछ किया है। तो अब उस कर्म का फल वे अपने लिए नहीं चाहते थे, परंतु उनके चित्त में जो अशांति आई थी वो दूर हो गई हो। मत प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। यदि आप कर्म फल का त्याग करके कर्म का अनुष्ठान करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं ये देखिए, आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं वो देखे आपकी ओर की मत देखे, अरे मैंने तो इतना हाथ जोड़ा नमस्कार भी किया पर आपने तो हमारी ओर देखा ही नहीं, हमको पहचाना ही नहीं, क्या जरूरत है? तुमने एक अच्छा काम किया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, बढ़िया काम किया, अब उसमें कोई देखे और तुमको कोई धन्यवाद दे, आशीर्वाद दे, इसी क्या जरूरत है? अच्छा काम स्वयं में, स्वयं में अच्छा काम फलात्मक ही होता है, उसका फल आगे नहीं मिलता है। जिस समय हम अच्छा काम करते हैं उसी समय हमारे हृदय में जो संतोष होता है, जो प्रसन्नता होती है, जो शांति होती है, वहां कर्म और कर्म का फल दो नहीं रहता। आप उसी कर्म में तन्मय रहिए, फल सारे को छोड़िए, आवेगा आवेगा, नहीं आवेगा नहीं आवेगा, उसकी ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम, किसी ने कहा ये काम करने से क्या मिलेगा, राम राम करने से क्या मिलेगा, संध्या वंदन करने से क्या मिलेगा, अरे तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, ये क्या तुम्हारे संतोष के लिए, शांति के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? ओम शांति 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 नारायण। अच्छा।